तो भाई हम लोग क्या करने आए हैं? क्या करने आए? हम लोग पढ़ने आए हैं, ठीक ना? तो थोड़ा पढ़ाई और पढ़ाई, थोड़ा और पढ़ाई, फिर पूरा पढ़ाई। हम लोग फिजिक्स को सीखने आए हैं। अरे समझा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे होता है, इसका उपयोग क्या, इसके बारे में हम लोग अच्छे से आज जानकारी करेंगे, ठीक ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो आप पहले समझिए अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फिर बाद में इसके बारे में प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आप समझिएगा ध्यान से, लिखना नहीं है तो समझिएगा ध्यान से, ठीक? मेरा मार्कर, ठीक ना? कोई बहुत बड़ा शहर है, जैसे मैं मुंबई या दिल्ली, उसमें बड़ा इलाका होता है भाई लोगों का, जो जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं, उसका क्या होता है? इलाका होता है, ठीक ना? इलाका होता है। और तो क्या होता है, उस इलाके में अगर दूसरे जगह का लोग उस इलाका में आता है तो क्या होगा? दोनों में क्या होगा? एक जगह इलाका है, दूसरे जगह के आदमी यहाँ पर आया, तो क्या होगा? आपस में लड़ाई होगा। यानी कि कहा गया है इलाका में क्या हो जाएगा, उस मान ली तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो हम लोग डेट मीन्स, इसका कहने का मतलब ये है कि अनदर चार्ज कम इनटू द एरिया डेट इज क्रिएटेड बाय द चार्ज डेट अनदर चार्ज विल एक्सपीरियंस डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कोई इलाका में अनदर जगह के लोग यहाँ पे आए और अपना ताकत दिखाएं, जिसके कारण वहाँ पर लड़ाई हुआ, मतलब अपना ताकत दिखाएं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के डैश दें, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? इफ अनदर चार्ज कम्स इंटू द एरिया डैट इज क्रिएटेड बाय डैट चार्ज एक्सपीरियंस लिखो सब ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स डैट मीन्स इलाका देन इट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? कोई इलाका में अनदर जगह के लोग आके वहां पर अपना शासन दिखाया था, दोनों आपस में क्या होगा? लड़ाई होगी, यानी कि फोर्स पैदा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। लिख लो, इफ अनदर चार्ज पार्टिकल कम इनटू द एरिया डेट इज क्रिएटेड बाय डेट चार्ज बी एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स डेट मीन्स इलाका यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो, लिखो नीचे, फिर नोट लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इट, या क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स होगा
ए फोर्स ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर चार्ज कम्स इनटू द एरिया दैट इज क्रिएटेड बाय दैट चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स दैट मीन्स इलाका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज। यहाँ पर लिख लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। लिखो जल्दी, बटाना नोट करके लिख लेना, आगे बताते ठीक। तो भाई हम लोग पढ़ने हैं ठीक, सही से पढ़ेगा ध्यान से, ध्यान से सिर्फ सुनो लिखते जाओ। यह क्या है प्रॉपर्टी लिखो, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम ठीक, या वोल्ट पर मीटर, ये आगे हम पढ़ेंगे ठीक ना। फील्ड का डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन की ओर होगा। लिखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स वाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नोट करो जल्दी ठीक, लिख लेना, टाइम नहीं है भाई, जल्दी जल्दी। चार्ज फील्ड में कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, सोर्स चार्ज दूसरा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और टेस्ट चार्ज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, मापते हैं। यानी कि टेस्ट चार्ज में कहा गया है कि इलाका कितना मजबूत है ठीक ना। तो चार्ज दो प्रकार के, चार्ज कितने प्रकार के, दो प्रकार के, टू टाइप्स ठीक। पहला सोर्स चार्ज, लिखो लिखते जाओ, आज लिखने वाला है। पहला सोर्स चार्ज, दूसरा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है, इसमें सोर्स चार्ज क्या है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोर्स चार्ज में, प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ, इसमें इलाका कितना मजबूत है उसके बारे में पता करता है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कितना मजबूत है, यानी कि इलाका क्या है, कितना शक्तिशाली है, वही इलाका कितना है शक्तिशाली। चार्ज दो प्रकार के, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। टेस्ट चार्ज में क्या हो जाएगा, फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स मतलब मापता है, मेजर, मान लो वही इलाका कितना बड़ा मजबूत है, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। लिखो जल्दी, लिखो। तो चार्ज इसको हटाओ, लिखते जो आज, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ठीक ना, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो डायरेक्शन किधर होगा, रिपेल करता है डायरेक्शन। अगर निगेटिव चार्ज होता है क्या होगा, किसके तरफ आएगा, निगेटिव चार्ज पिछले क्लास में पढ़ा था। पॉजिटिव रहेगा तो रिपेल, निगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट ठीक। मैं देखा लिखते जाना, नोट करके लिखना अपन। पॉइंट चार्ज के लिए लिखो, नोट करके, पॉइंट चार्ज
के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स वाई क्यू। फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स कितना होता था किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए? फोर्स कितना होता था? के क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रख दो आर स्क्वायर वाई क्यू क्यू के क्यू वाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद कर लेना, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू वाई आर स्क्वायर। ठीक, टाइम नहीं है, स्पीड में काम करो। समझा? अच्छा, फोर टू पॉइंट चार्ज नोट कर लिखते जाओ। फोर टू पॉइंट लिखने वाला है और फोर टू पॉइंट चार्ज कोई। अच्छा ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर प्लस Q1 है और ठीक ना, यहाँ पे क्या है Q2 है। ठीक, यहाँ पे क्या है पॉइंट P है। तो बताइए A पॉजिटिव है तो क्या करेगा, क्या करेगा? रिपेल करेगा, करेगा ना। और A वाला किधर जाएगा? इधर जाएगा। A किधर जाएगा? इधर। रिपेल करेगा इधर। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगा? बीच में। ई क्या हो जाएगा? E1, E2, इनेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। दो पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है पॉइंट चार्ज, रिपेल करेगा E1 इसके लिए, E1 इधर, इसके लिए E2 इधर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में, इनेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। निकालना है पॉइंट के क्यू वाई के क्यू वाई आर स्क्वायर उसी तरह। ठीक, निकाल लेना, लिखते जाओ तुम। ध्यान देना, बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार के होते हैं, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो प्लेट के बीच में जनरेट होता है, जबकि नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? जनरेट होता है। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो टू टाइप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखते जाओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जनरेट होता है ए, दो प्लेट के बीच में जनरेट होता है, दो प्लेट के बीच क्या होता है? जनरेट होता है। जैसे में दो प्लेट के बीच जनरेट होता है क्या? माइनस 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 माइनस। समझा? दो प्लेट के बीच क्या होता है? जनरेट होता है। लिख लेते हैं, दो प्लेट के बीच जनरेट होता है। ई क्या है? कांस्टेंट। जबकि सौर चार्ज क्या है? सौर चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए होता है, जो हम लोग पढ़े पिछले क्लास में थोड़ा सा पहले। भाई ध्यान से पढ़ो, सिर्फ रिजल्ट निकलेगा, मन से पढ़ो, सिर्फ जो पढ़ाता हूँ बस उतना पढ़ो। दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, किसके लिए जनरेट होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। एक किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू वाई आर स्क्वायर, ये इसके लिए होता है। अब हमको अब कुछ न्यूमेरिकल का कंसेप्ट सीखना है, न्यूमेरिकल कैसे बनाए उसके बारे में सीखना है। आप लोग सेमेट्री का नाम जाने, सुनते हैं सेमेट्री। सेमेट्री जहाँ होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सीखिए आज कुछ ये सब न्यूमेरिकल में काम देगा। जहां सेमेट्री हुआ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। जैसे मैं एग्जांपल सेमेट्री, सेमेट्री लिखो, प्रॉब्लम नोट में लिखना, ठीक ना। जहां सेमेट्री हुआ वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखना, सिमेट्री प्रॉब्लम, यहां सिमेट्री हुआ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्या सिमेट्री है, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल वन, एग्जांपल टू, कोई सर्किल है, ठीक, कोई सर्किल है उससे एक बाहर लाइन भी खींचा गया है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, पॉइंट फील्ड है, इसके लिए तो ये सिमेट्री है, इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जबकि क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं होगा, क्या यहां पर सिमेट्री नहीं है। एग्जाम्पल वन में लिखो, एग्जाम्पल टू में लिखो, ये क्या है सिमेट्री है, लेकिन यहां पर क्या सिमेट्री है, यहां पर सिमेट्री नहीं है, यहां पर लिख दो सिमेट्री, नॉट सिमेट्री, नॉट सिमेट्री। चलिए इसी में आगे, सिमेट्री प्रॉब्लम उतारो, जहां सिमेट्री हुआ वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लिखो। जहां सिमेट्री अगर नहीं हो रहा है वहां पे प्लस क्यू या माइनस क्यू ऐड करके उसको हम सिमेट्री में बदले, सिमेट्री में आ जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। देखो एग्जांपल में ऐसे ऐसे एग्जांपल, ऐसे 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 ऐसे, ध्यान से सिर्फ सुनना, हल्ला आज नहीं, दूसरे दिन ध्यान से सिर्फ सुनना, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक, ध्यान से सिर्फ सुनना, ये क्या है सिमेट्री है नहीं है, तो इसे हम सिमेट्री में बदलेंगे, सिमेट्री में बदलने के लिए हम लोग प्लस क्यू या माइनस क्यू वहां पर ऐड करते हैं, अगर सिमेट्री में हुआ तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, प्लस क्यू प्लस क्यू, यहां पे क्या प्लस क्यू या माइनस क्यू ऐड करके सिमेट्री में हम लोग बदल, तो यहां पर क्या होगा प्लस क्यू सिमेट्री में, तो यहां पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जहां सिमेट्री हुआ वहीं पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, किसके लिए हुआ तो इसके लिए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका के क्यू बाई आर, किसके लिए हुआ इसके लिए हुआ, यहां सिमेट्री बदले चार देख के यहां क्या जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले नहीं था यहां पर सिमेट्री नहीं था तो यहां पर हम प्लस क्यू या माइनस क्यू ऐड करके उसको सब सिमेट्री बदले, जहां सिमेट्री हुआ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, यहां पर चार्ज दिए इस यहां पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए सिमेट्री में हो गया इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। भाई जल्दी नोट करो, जिस तरह हम पिछले क्लास में बनाए थे एक जगह कि फोर्स कहां पे जीरो होगा, कोई भी न्यूट्रल पॉइंट पे, दो चार्ज दिया गया है, छोटा चार्ज बड़ा चार्ज दोनों सेम साइन का होता है तो अंदर में, अगर अपोजिट साइन का होता है तो बाहर में, उसी तरह बस जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कहां पे लिखो नोट करके सब लिखते जाना, नोट पॉइंट क्वेश्चन बनने के लिए है, वेयर द पॉइंट इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा, बताए थे लिखते जाओ, बताए थे कि दो चार्ज अगर, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले छोटे चार्ज, दो चार्ज दिया गया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है कि कहां पे जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा, दो चार्ज दिया गया है अगर, तो सबसे पहले हम छोटा चार्ज की ओर क्या बनाएंगे सर्किल बनाएंगे, और दो देखेंगे कि दोनों चार्ज का अगर सेम साइन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होगा, लेकिन अगर अपोजिट साइन का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में जीरो होगा। एग्जाम्पल लिख लें जो हम बोले, जैसे मैं देखिए यहां पे क्या है एट एट क्यूब है, ठीक ना, यहां पे यहां पे क्यूब है, इसमें से छोटा चार्ज कौन है ए है, किसकी ओर सर्किल बनाया पूछा है 2016 में जेई मेन में, ठीक, दोनों का चार्ज सेम है, चार्ज छोटा ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहां पे होगा,
दूसरा एग्जाम्पल ठीक माइनस क्यू एट क्यू, यहाँ पे छोटा चार्ज कौन है, यहाँ है, सर्किल बनाओ और दोनों चार्ज अपोजिट साइन का है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। ये 2000 इस कंसेप्ट से जेई मेन 2016 में पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, जब न्यूट्रल पॉइंट पे दो चार्ज दिया गया है सेम साइन का रहेगा तो अंदर में, अपोजिट साइन का रहेगा तो बाहर में, इस कंसेप्ट से 2016 में क्वेश्चन बैंक निकालना देखना पूछा गया है। अब हम लोग आगे सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम है क्या, ठीक ना, इस हम सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए हम बता रहे हैं ना, तो आगे हम चल जाते हैं। हाँ आप लोग नोट कीजिए, बता रहे हैं कि आप लोग का पूरा पढ़ा देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो लास्ट में 12th बिहार बोर्ड के लिए पूरा क्वेश्चन बैंक जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है वो एक दो क्लास लेके करवाएंगे, सीबीएसई के लिए अलग से करवाएंगे, आईआईटी का जितना क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है क्वेश्चन, जेईई मेंस नीट का ये दिन लगे, दो दिन तीन दिन लगे, पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना, लाइन से आप लोग उस दिन हम सूचना दे देंगे कि आज ये इसका प्रॉब्लम होने वाला है 12th का, सीबीएसई का और जेईई मेंस का, हम बता देंगे पूरा ए टू जेड क्वेश्चन लाइन से करवाएंगे, सिर्फ ध्यान से सिर्फ पढ़ते रहिए। अब हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, नोट करो लिखो सब, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम तो हम लोग को पढ़ना है एसएचएम में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में जेईई मेंस पूछता है तो सिंपल पेंडुलम लिखकर डैश देगा, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड 2π इनटू स्क्वायर रूट ऑफ l / g होता है, ठीक ना, सिंपल पेंडुलम। आप जानते हैं कोई भी घड़ी होता है वहां से जो गोल घड़ी होता है जो ऐसे रिंग एक ऐसे होते रहता है, देखे घड़ी याद आया जो हम बोले, यहां से कोई एक बॉल लटका दिया गया, बॉल छोड़ा गया तो क्या ऐसे ऐसे होगा, इधर से उधर होगा ना, यही सिंपल पेंडुलम। हम लोग घड़ी को देखिए ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, नीचे जी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, याद कर लो ना आप फार्मूला पूछता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, याद कर लेना, कभी सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक ना। दूसरा ये पहला, दूसरा एग्जाम्पल कोई भी ऐसे है, ठीक ना, यहाँ से कुछ देर बाद क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक बॉल है, ठीक, यहाँ से एक बॉल रखा गया है, उसके बाद यहाँ से एक यहाँ से करके बॉल क्या किया गया है, रखा गया है, तो सबसे पहले हम लोग के निकालना है टाइम पीरियड, ठीक ना, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स इधर की ओर लगेगा, एक इधर की ओर लगेगा, नेट फोर्स इधर की ओर लगेगा, कंपोनेंट तोड़ने आता है, इधर लगेगा फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, फोर्स को लिख सकते हैं मास गुने एक्सेलरेशन, ठीक, यहाँ क्या लगेगा नीचे की ओर क्या लगता है, एम जी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ना हम लोग के नीचे लगता है, तो एफ नेट यहाँ पर निकालना है, क्या हो जाएगा, जगह नहीं है यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, मिटाते हैं इसको, इधर यहाँ से इधर, ठीक, क्या हो जाएगा, एफ एफ नेट क्या हो जाएगा, जी डैश, वही जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, मास गुना एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू यू बाई एम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ऑफ जी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना है, क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर प्लस ऑफ किसका, नीचे वाला का, जी स्क्वायर। हम जानते हैं टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल वाई जी डैश, यहाँ पे जी का वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे पुट करेगा तो क्या निकल जाएगा, जेईई मेंस में इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट
एक बोर्ड नहीं पूछेगा, जे मैंने पूछेगा, दिया गया है फोर्स, जानते हैं फोर्स इधर लगे एम जी नीचे की ओर, ग्रेविटेशन फील्ड नीचे की ओर, नेट फोर्स नेट एक्सेलरेशन इधर लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू की हुई फोर्स मास गुना एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू क्यू बाई एम, एम जी नीचे जी, नेट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे एक फटाफट। आज सांस समझो, आज क्वेश्चन वाला है काम, कॉन्सेप्ट क्लियर करो सिर्फ। ऊपर क्या है, क्या है नीचे, समझा नीचे क्या है, फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा फोर्स इज इक्वल टू क्यू, नीचे क्या लगेगा जी, समझा। देखो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्यू, फोर्स को लिख सकते हैं मास गुना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू या क्यू वाई एम, समझ में आ रहा है हुँ? समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू इतना, तो इसलिए जी डैश इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद किए हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड इक्वल टू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल वाई जी, यहाँ पर लिखो 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल वाई जी डैश, जी डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट करो निकल जाएगा। एग्जाम्पल सब नोट में करना, सब इस तरह से प्रॉब्लम जेई मेन में पूछ सकता है। अगला पॉइंट नोट पॉइंट में करके लिखना, चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सब आज जेई मेन के लिए हो रहा है, बोर्ड में तो बहुत कम पूछेगा, सब नहीं पूछता है, सब न्यूमेरिकल के लिए हम बता रहे हैं, आगे काम देगा। लिखो नोट करके अगला पॉइंट, चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक, चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला लिखो वाइल ड्रॉप सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी वाइल के लिए, ठीक, फोर्स ऊपर, समझा, नीचे एम जी, नीचे क्या एम जी, ऊपर फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्यू को क्या लिख सकते हैं, एनी पढ़ा है कहूं क्यू इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एनी, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QE, Q को लिख सकते हैं N E E, फोर्स को क्या लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए F इज इक्वल टू mg, समझ में आया जी, इसलिए mg इज इक्वल टू N E E। वायर ड्रॉप सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी वायर फ्रेम के फोर्स ऊपर नीचे एम जी, फोर्स इक्वल टू क्यू, क्यू को संचार में पढ़े हैं क्यू इक्वल टू एन ई, आपस में इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो इक्वल, समझ में आया, ऐसे धीरे धीरे नोट करते जाओ, आज सांस से लिखो, आज समझने वाला है, आज समझा अगला दिन मजा आएगा, आज जो नहीं समझा गया अगला तब भी समझेगा लेकिन ज्यादा मजा आएगा। अच्छा बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई भी सर्किल है, कोई भी कुछ भी है, उसमें से कुछ पार्ट काटने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कुछ पार्ट काटने के बाद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां सिमेट्री हुआ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, जहां सिमेट्री नहीं है, सब लिखेगा नोट करके। अगला पॉइंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम कोई भी फोर्स ऐसा माने कि जो वह क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन ऐसा माने जो किसी पार्टिकल ग्रेविटेशन फील्ड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसमें
जैसे में कोई चार्ज दिया गया है, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। फोर्स को लिख सकते हैं मास गुना एक्सेलरेशन, क्यू ई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। इसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा क्या करते हैं, मानते हैं, बस जी के जगह पे इसका उपयोग कर देंगे। लिख दो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका उपयोग जी की जगह पर हम इसका उपयोग करेंगे। जल्दी लिख देना, सब नोट पॉइंट करके लिखते जाना, 1 2 3 4 करके ऐसे करते लिखते जाना, ठीक। सब पूछेगा अगला दिन हम पूछेंगे ये सब। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो निकाले हम, पूछा है क्वेश्चन ही, एक्सेलरेशन इक्वल टू, अभी तो निकाले की यू बाई एम। तो मास ऑफ प्रोटोन ज्यादा होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ प्रोटोन ज्यादा होता है, तो इसलिए मास ऑफ प्रोटोन किसका होगा, ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो क्या एक्सेलरेशन प्रोटोन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लिखेगा, नोट करके पूछ देगा कहीं क्वेश्चन, एक्सेलरेशन अभी निकाले, मास प्रोटोन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, मास इनवर्सली एरिया पूछ देगा। लिखो जल्दी, नोट करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा हो गया है, ठीक ना, फिर मिलते हैं, इतने तक अगला क्लास में मिलते हैं।